चंद्रयान लॉन्च होने वाला 10 मिनट में। 30 सेकंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको जामसी की। आइए हम आज के एक और नई वीडियो को देखते हैं। और जो कि इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की, जो कि नंदित होने की, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, इंडिया के लोगों को, सब वर्ल्ड के लोगों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएँ, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसने जो कि अपनी मंजिल तक वो पहुँच गया है। बहुत ही टाइम से जो कि वो कोशिश कर रहे थे चांद पर जाने की, जो कि साइंटिस्ट सब लोग अलग अलग तरह से यत्न कर रहे थे, और उस यत्न को उन्होंने पूरा किया है सफलतापूर्वक, जो कि लैंडिंग, जो कि चांद के ऊपर, चंद्र ग्रह के ऊपर लैंडिंग अब जो कि हो चुकी है। हालेलुया, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में हमारा जो भारत है, उसने बहुत सफलतापूर्वक जो कि उसकी मेहनत है, जो कि फल लेकर आई, और चांद पर जाकर हमारे इंडिया का जो कि झंडा वहाँ पर लहराया गया, जो कि हमारे ब्रदर विक्रम जी जो कि चांद पर गए हुए हैं, और उन्होंने वहाँ से तस्वीरें भी खींचकर हम सबके साथ शेयर किए हैं। उन्होंने चांद की तस्वीरें आप सब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर जाकर हमारे इंडिया का जो कि झंडा लहराया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि इतने देशों में से हमारे जो अब भारत देश है वो तरक्कियों की ओर जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े काम की ओर जा रहा है, और हमारे भारत देश ने इतना बड़ा काम जो किया, और हर एक जन, हर एक सेलिब्रिटी, हर एक जब आप देख सकते हैं, हर एक जन बहुत ज़्यादा खुश है। हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, आनंद के साथ खुशी मना रहा है। हालेलुया, क्योंकि ये बहुत टाइम की जो कोशिश चल रही थी चांद के ऊपर जाने की, वहाँ पर जाने की, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग, जो कि चंद्रमा की लैंडिंग जो कि हो चुकी है, और हमारा जो इंडिया है, हमारा देश है, सब देशों में से महान माना जा रहा है, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम, बहुत बड़ा काम जो कि कर दिखाया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चंद्रमा पर जाने की जो कि पहले भी बहुत बार, दो बार जो कि ट्राई कर चुका है हमारा भारत, पर सफल ना हुआ, जो कि पहले आप जानते थे कि पहले हमारे ब्रदर जो गए थे वो भी सफल ना हुए थे, और उसके बाद जो कि कल्पना चावला के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि उन्होंने भी चांद पर जाने की जो कि ट्राई की थी, पर वो सफलतापूर्वक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, उनकी रास्ते में ही जो कि डेथ हो चुकी थी। पर अब जो कि हमारे ब्रदर जो कि विक्रम जी है, आप लोगों ने तस्वीरों में भी देखा कि वो सफलतापूर्वक जो कि चांद पर जा चुके हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने तस्वीरों को भी लिया, फ़ोटोज़ को भी खिंचवाया, और जो कि फ़ोटोज़ हम सब लोगों के साथ शेयर भी की गई, और वहाँ पर जाकर हमारे इंडिया का जो कि झंडा लहराया गया। हालेलुया, और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा आनंदित होने की बात है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, वो सब देशों में से महान माना जा रहा है। देशों में से उसने इतनी ज़्यादा बड़ी तरक्की के लिए कि उसने चंद्रमा पर अपनी जगह बनाई है, चंद्रमा पर वो जा पहुँचा है। हालेलुया, और मैं आप जैसे कि बाइबल का वचन भी कहता है कि वह ये ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की स्तुति रहती है, और वश की आदि में से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। क्योंकि जिस देश में, जिस गाँव में, जिस शहर में परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है, परमेश्वर की नज़रें रहती हैं, वो देश हमेशा ही ब्लेस होता है, वो शहर हमेशा ही ब्लेस होता है। और अगर आप बाइबल में पढ़े तो जब अब्राहम के देश में परमेश्वर की निगाह थी, अब्राहम के देश में परमेश्वर की निगाह रहती थी, तो वो कैसा परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था, उसी दृष्टि से अब इंडिया के देश में परमेश्वर की निगाह है, इंडिया में परमेश्वर का डर है, बे है, परमेश्वर के वचन चलते हैं, इंडिया में परमेश्वर के सेवक हैं जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रार्थना में दिन रात प्रेयर में रहते हैं, और उसी रीति से उसी दौरान चलते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर हमारा इंडिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि वो अब चांद तक
पहुंच चुका है चांद। इंडिया पूरे भारत में चांद तक हमारा इंडिया, हमारा जो भारत देश है वहां पर जा चुका है। हालेलुया, ये बहुत ज़्यादा आनंदित होने की बात है, खुशी मनानी चाहिए कि अब हमारा देश जो कि इतनी तरक्की में जा रहा है। क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि लॉकडाउन के दिनों में जब लॉकडाउन थे तो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी की ओर से जो कि टेस्ट प्रोफेसी भी की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कि हमारा जो भारत देश है वो अगुआ होने वाला है, वो सबसे महान होने वाला है, वो सबसे आगे होने वाला है। और अब आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट जो प्रोफेसी है वो भविष्यवाणी अब पूरी हो चुकी है। हमारा भारत देश तब देशों में से नंबर वन हो चुका है, सब देशों में से उसने तरक्की की है। क्योंकि अभी तक भारत का कोई ऐसा देश नहीं है जो कि अभी तक चांद तक पहुँच पाया हो, जो कि अभी पहले नंबर पर भारत ने ऐसा काम किया है जो कि चांद पर जाकर उसने वहां पर अपने इंडिया का झंडा लहराया है, इंडिया का तरंगा वहां पर लहराया गया है। हालेलुया, क्योंकि ये खुशी की बात है, आनंद मनाने की बात है हमारे पंजाब के लिए। और आनंद मनाया भी जा रहा है, पंजाब का एक एक शख्स, पंजाब का एक एक मेंबर, वो कहीं का भी हो, अगर वो हॉलीवुड का है बॉलीवुड का है, रेसलिंग का है, कोई भी, हमारे मोदी जी, हमारे CM, हर जन इस न्यूज़ को सुनकर, इस काम को देखकर जो हमारे ब्रदर विक्रम जी के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि अगर आप न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि कितनी लेडीज़ के भी जो कि साइंटिस्ट है, कितनी लेडीज़ भी इन प्रोजेक्ट में काम कर रही थी जिन्होंने इस पर जीत पाई। और कोई क्रिश्चियन, हमारे भाई क्रिश्चियन परमेश्वर को मानने वाले हमारे भाई हैं जो कि इस काम में, इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें जीत का झंडा बनाया है, परमेश्वर ने उनके हाथों में जीत दिया और हमारा इंडिया, हमारा देश, हमारा भारत चांद पर जा पहुँचा है। और चांद पर आप देखें तो चांद पर जब आप सुनते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर की बातों को भी सुनते हैं, तो आपने सुना होगा कि हमारा परमेश्वर है जो जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने उस तारागण को बनाया, वो कितना महान है, कितनी बड़ी बड़ी वहाँ पर मंडल ग्रह, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पर, आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर डायमंड है, वहाँ पर जाकर अब भारत ने अपनी जगह बनाई है। और कितनी ज़्यादा आनंदित तो खुश होने की बात है ना। हालेलुया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी लोगों तक ये वीडियो जाए, और भी लोग अपने इंडिया की, अपने भारत की खुशी मना सके और इस गुड न्यूज़ में वो शामिल हो सके। हालेलुया, और आगे से आगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये है ही खुशी की बात है, क्योंकि हमारा इंडिया जो कि तरक्की में जा रहा है, परमेश्वर हमारे इंडिया को तरक्की में लेकर जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया की पहुंच कहां तक होगी, इंडिया का नाम कहां तक होगा, क्योंकि ऐसा कोई काम कभी कोई नहीं कर पाया जो काम अब इंडिया ने कर दिखाया है। हालेलुया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर और हमारे इंडिया को ब्लेस करे, प्रार्थना करें इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों को, गवर्नमेंट को अपनी बुद्धि से चलाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।